Ampar, one sec, one sec, one sec, hold on. স্টার্ট। এক বার ফির সে আপ সবাই কা স্বাগত করনা চাহুঙ্গা 10 প্রিমিয়ার লীগ সিজন 3 সিজন 3 দুসরা দিন আজ কা ইস টুর্নামেন্ট কা আর আখরি ম্যাচ इस फ्लड लाइट्स के नीचे आज के लिए आप देखेंगे जो कि खेला जा रहा है इंडोर राइडर्स बनाम डोंबिवली ग्रामीण स्टार्स। राहिल स्कोरर जहां कहीं भी है मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि कमेंट्री बॉक्स पर आए राहिल। शॉर्ट पिच गेंद खेल दिया उससे फाइन लेग की दिशा पर चार रन मिलेंगे पहली बाउंड्री आती हुई डोंबिवली ग्रामीण स्टार्स को। डोंबिवली ग्रामीण स्टार्स बनाम इंडो राइडर्स ये मुकाबला चलता हुआ जिसके फलस्वरूप इंडो राइडर्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया है और न्योता दिया है डोंबिवली ग्रामीण स्टार्स को पहले बल्लेबाजी करने का जिसके फलस्वरूप आए हैं सलामी बल्लेबाज नीलेश और विजय। बहुत ही बढ़िया गेंद सीधे पैड पर लगती हुई हल्की सी अपील जरूर थी वहां लेकिन उस अपील को नकारा अंपायर ने और लेग बाई का इशारा एक और अतिरिक्त रन का इजाफा होता हुआ स्कोर कार्ड में। नीलेश महात्रे विजय पवार सलामी बल्लेबाज बढ़िया गेंद खेल दिया उसे मिड विकेट के क्षेत्र में दिशा दिखाई एक रन तेजी के साथ पूरा करते हुए दूसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन वापस भेजा नीलेश ने विजय पवार को। सात रन का स्कोर बोर्ड पर लगता हुआ जिसमें एक बाउंड्री भी शामिल जो कि आई थी नीलेश के बल्ले से। बढ़िया गेंद जड़ में मारी थी इस बार लेकिन उतनी ही अनोखी तरीके से खेला उसे एक्स्ट्रा कवर्स के क्षेत्र पे फील्डर मौजूद जरूर थे एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा नीलेश को और इसी एक रन के साथ ओवर होता हुआ समाप्त। पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा 8 बिना कोई नुकसान के।
नए गेंदबाज शानी लाए हैं अपने खाते का पहला और टीम का दूसरा ओवर लेकर गेंदबाजी का भार संभालेंगे। कमेंट्री बॉक्स छोर से उनका सामना करेंगे नीलेश महात्रे, सलामी बल्लेबाज नोबिलवी ग्रामीण स्टार्स के। स्विच किया, रिवर्स स्विप खेलने का प्रयास जरूर था लेकिन बहुत तेज गति से फेंकी हुई गेंद शानिल की, डॉट बॉल। पहला झटका लगता हुआ डोंबिवली ग्रामीण स्टार्स को, रिप्ले में देख सकते हैं आप, बड़ा शॉट लगाने का प्रयास, बाहरी किनारा बल्ले को चूमती हुई निकली गेंद, सफलता दिलाई शानिल ने। अपने खाते का पहला ओवर आते ही सफलता दिलाई शानिल ने। इंडो राइडर्स को ज्यादातर मुकाबले 10PL सीजन 3 में कप्तानों ने पहले टॉस जीता, गेंदबाजी का निर्णय किया और आज भी इस मुकाबले में भी वही हुआ। टॉस जीता था कप्तान ने इंडो राइडर्स के और निर्णय किया है गेंदबाजी का। अच्छी गेंद इस बार ऑफ स्टंप के काफी नजदीक से निकली हुई। तीसरा डॉट बॉल इस ओवर का, दो डॉट बॉल एक विकेट। अच्छी गेंद बाहरी किनारा, एक और झटका, बहुत ही अद्भुत गेंदबाजी का प्रदर्शन शानिल द्वारा, डॉट विकेट, डॉट विकेट, बिना कोई रन दिए अभी तक दो विकेटे, दो बड़ी मछलियों को अपने झांसे में डाला है शानिल ने। नीलेश को चलता किया, उसके बाद तुषार को रुख दिखाया पवेलियन का। अब आए हैं लंबे खत के खिलाड़ी, आक्रामक लय पर नजर आने वाले इस टूर्नामेंट में साई शेलर। डोंबिवली ग्रामीण स्टार्स के सीधे हाथ के बल्लेबाज साई शेलर। लंबे खत के हट्टे कट्टे खिलाड़ी, आते ही घुमाना चाहा लेकिन यहां पर हमारे बिली बॉर्डन हिंदुस्तान के मोहम्मद रफी का अनोखा अंदाज वाइड
एक और अतिरिक्त रन का इजाफा होता हुआ खाते में। बढ़िया गेंद, हवा से बातें करती हुई फील्डर आ रहे हैं उसके नीचे, एक और झटका लगता हुआ, इस बार लगा है सबसे बड़ा झटका। बूम बूम साई शेलर को जाना होगा वापस डगआउट में। मनोज जोशी नए बल्लेबाज रिप्लेस करने के लिए आए हैं साई शेलर को। यहां पर चाहिए कि एक साझेदारी जरूर बनाए दोनों ही बल्लेबाज जो कि अभी क्रीज पर मौजूद, एक छोर पर हैं विजय पवार, दूसरे छोर पर मनोज जोशी। ऑफ स्टंप के काफी बाहर, एक बार फिर से आपके स्क्रीन पर हैं बिली बाउडेन हिंदुस्तान के मोहम्मद रफी। एक और अतिरिक्त रन का इजाफा होता हुआ, बढ़िया गेंद घुमाया उसे मिड विकेट के क्षेत्र पर, फील्डर जरूर मौजूद लेकिन दो रन लेने से नहीं रोक पाएंगे विजय पवार को। इसी दो रन के साथ हुआ ओवर समाप्त, दूसरे ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा 12-3 विकेट के नुकसान पर। Change in the bowling attack. Anas, the new bowler, comes into the attack with his spells first in the team's third over in progress from Sharjah Cricket Stadium's end. Nicely bowled this. I'm just tapped it towards the short covers area. One run taken comfortably. Wanted to take the second one, but Vijay Pawar isn't interested on that one. Score goes to 13. 10 Premier League Season 3 here at Sharjah Cricket Stadium, presented by Petroman Events. And we have already witnessed a cracking contest. Beautiful shot this time towards the long on area. Fielder over there and he misjudged that one. Catches win the matches and umpire signals it as 6. That was a risky shot played by Manoj Joshi, but he was very fortunate on that occasion. Got a life on that delivery and as well as 6 more runs added to the scorecard. Beautiful delivery this time, just placed it towards the short covers area. One more run taken on that occasion. This is what every time I used to say, whenever you score a boundary, either a 4 or a 6, you need to rotate the strike. That is what a sign of a quality batsman. That is what exactly here Manoj Joshi did. This time placed it towards the point area. Just one run to be taken on that occasion. Good score onto the board so far, but they need to contain the wickets. If they can build up a partnership here of 20 to 30 runs, then that would be a stable situation for Dombivli Grameen Stars.
swung the bat really hard, but the contact wasn't so nice. Chance of a run out, miscommunication. Could it be a run out? We'll have to wait for the call of umpire. And not out. Could be the signal, but no. He will take a walk towards the third umpire. And the third umpire, match official referee, Mr. Aslam Sarguru, a very well experienced umpire, he will be taking the charge for the duty of third umpire. The decision is still pending. And meanwhile, I would like to thank the sponsors of 10 Premier League Season 3. Without the support of these sponsors, we couldn't have made it through. Starting off with a sponsor, Petromen, title sponsor, Sharjah Cricket Stadium, a venue partner. I would like to thank you from the bottom of my heart for keeping your best foot forward and showing your extraordinary efforts to make this tournament a grand, successful and a memorable one. Followed by Ecraft Media, the digital partner, Delhi Darbar, for such a delicious food that we are having on a very daily basis in this 10 PL Season 3. Food and beverages partner. And umpire signals it as a not out. Support sponsors. WBT Tech Timbers, Gulf International, Global Computers, Aryan Hygiene Guard. OOK Kitting Partner, Air Arabia is the traveling partner. Beverages partner, it's Meltwater. And yes, 7070 live streaming partner. Have a look at the run out appeal which has done from the bowler himself, Anas. Great job done by the third umpire. Well, ball this time just pitching into the right areas. A dot ball to end the over again. After the completion of 3 overs, score goes to 22 for the loss of 3 wickets. Last but not the least, Tools Markham Private Limited, creative partner. I would like to thank each and every of you for making this event a grand, successful and memorable one with all your efforts. This is the day 2 of 10 Premier League Season 3 here at Sharjah International Cricket Stadium. And we have already witnessed a historical game earlier, India versus Pakistan, in which India have got a remarkable win over Pakistan. And this is something very unique step taken by Petromen Events and also by the chairman of 10PL, Mr. Abdul Latif Khan. एक बार फिर से शानिल बहुत ही बढ़िया गेंद और उसे पहुंचाया स्टैंड्स पर बढ़िया शॉट निकलता हुआ विजय पवार के बल्ले से पावर दिखाया अपना और जड़ दिया झक्का शानिल को एक बार फिर से कदमों का इस्तेमाल किया वहां पर गेंदबाज के सर के ऊपर से खेला हुआ शॉट एक ही रन मिलेगा लेकिन
अपने खाते का दूसरा और टीम का चौथा ओवर लेकर शानिल गेंदबाजी का भार संभालते हुए तीन सफलताएं अभी तक दिलाई हैं शानिल ने अपनी टीम को। ऑफ स्टंप के काफी बाहर, निश्चित रूप से वाइड होगा। जी हां, एक और अतिरिक्त रन का इजाफा होता हुआ डोंबिवली ग्रामीण स्टार्स के खाते में। रिवर्स स्वीप लगाने का प्रयास इस बार, लेकिन नाकाम कोशिश, सीधे गई विकेट कीपर के हाथों में गेंद। एक और डॉट बॉल, स्कोर बहुत ही अच्छा बोर्ड पर लगता हुआ, लेकिन साथ ही साथ वाइल्ड रन्स भी आते हुए एक और एक्स्ट्रा रन ऐड होता हुआ। हल्के से दबाव में जरूर लग रहे हैं शानिल, लेकिन काफी सफल गेंदबाज भी रहे हैं अपनी टीम के लिए। इस बार यॉर्कर लेंथ पे गेंद की बेहतरीन तरीके से खेल दिया, उसे दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन वापस भेजा उन्हें मनोज जोशी ने। जानते हैं इस मौके पर यदि विकेट गंवाएंगे तो कुछ हद तक लड़खड़ा सी जाएगी डोंबिवली ग्रामीण स्टार्स। हाफ स्टंप के काफी बाहर इस बार, बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स, कुल मिलाकर तीन रन आएंगे। आखिरी गेंद इस ओवर की, काफी लंबा ओवर चलता हुआ, छह रन पहली गेंद पर आए थे, उसके बाद आया एक रन डॉट वाइड एक और वाइड पर दो रन। आखिरी गेंद शानिल के खाते की। बढ़िया गेंद, हवा में जरूर है, विकेट कीपर उसके नीचे मौजूद। जी हां, एक और झटका लगता हुआ, चौथी सफलता अपने नाम की है शानिल ने। चलता किया विजय पवार को, इसी के साथ अंपायर का इशारा, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। ढाई मिनट का पैसिफिक वेंचर स्ट्रेटेजिक टाइम आउट यहां पर मिलेगा दोनों ही पक्षों को अपनी रणनीति बनाने के लिए।
जितिन आए हैं नए गेंदबाज, ये तो है मलिंगा इंडो राइडर्स के। पहली गेंद डाली वो भी डॉट बॉल, बहुत ही बढ़िया शुरुआत। नए बल्लेबाज आए हैं साथ देने मनोज जोशी का, केतन महात्रे। ऑफ स्टंप के काफी बाहर, निश्चित रूप से वाइड होगी। जी हां, एक और अतिरिक्त रन का इजाफा होता हुआ। आगे का हाल आपको सुनाएंगे, सुनहरी सुरीली आवाज महाराष्ट्र की, चंदू दत्ते, चंदू शेट्टे, माफी चाहता हूं। फिर एक बार हम सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत करते हैं शारजा इंटरनेशनल का क्रिकेट स्टेडियम में। 10 PL प्रतियोगिता का आज दूसरा दिन, दूसरी रात, और दूसरी रात का आखिरी मुकाबला। एक तरफ डोंबिवली ग्रामीण स्टार और दूसरी तरफ इंडो राइडर्स के बीच चलता हुआ ये मुकाबला। 5वां ओवर प्रगति पर 37/4। बल्लेबाजी कर रहे हैं मनोज जोशी, जिन्हें पिंटा नाम से भी जाना जाता है, और दूसरी तरफ केतन महात्रे। एक बेहतरीन स्ट्रोक केतन की बल्ले से देखने मिला, स्क्वायर कट, और 2 रन हासिल करेंगे दोनों बल्लेबाज केतन और मनोज जोशी। स्कोर में 2 रनों से बढ़ोतरी, स्कोर आगे जाता हुआ 39/4। आज काफी बढ़िया एक मैच देखने मिला, प्रदर्शनीय मैच था, मगर भारत बनाम पाकिस्तान टेनिस क्रिकेट विश्व की एक बड़ी मैच आज शारजा इंटरनेशनल स्टेडियम में खेली गई, जो टेनिस बॉल से के हिस्ट्री में पहली बार मैच हुई थी। जतिन इंडो राइडर्स के लिए, जतिन गेंदबाजी के लिए, दूसरी तरफ डोंबिवली ग्रामीण स्टार बल्लेबाजी करते हुए 5वां ओवर प्रगति पर है और 40 रन। इस बार खेलना चाहते थे स्वीप और मगर बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी जतिन द्वारा मनोज के लिए। बेहतरीन फॉर्म में थे पिछले सीजन, पूरे डोंबिवली ग्रामीण क्रिकेट कल्याण डोंबिवली में काफी मशहूर है, बड़ी बड़ी टीमों में भी शिरकत की है, और वापिस लौटना होगा। जतिन की एक अच्छी गेंद और बल्ले का किनारा लिया, सीधा विकेट कीपर के हाथ हाथों में जाती हुई, विकेट का पतन। वापिस लौटना होगा मनोज जोशी को, पिंट्या को। हमारे साथ अभिजीत पवार भी जुड़ेंगे, और जो बोरुली मुंबई दहिसर से बिलोंग करते हैं। इस मैच में 3 ओवर अभी भी शेष है, डोंबिवली ग्रामीण कहां तक जाएगी निर्भर है केतन महात्रे के बल्ले से, केतन महात्रे का साथ देने मैदान के ऊपर। विक्रम सेलार नए बल्लेबाज, बल्लेबाजी करने के लिए 6वां ओवर पारी का लेके गेंदबाजी के लिए। फिर एक बार अनस केरला के मशहूर गेंदबाज अनस, अनस की ये गेंद ऑन साइड की दिशा में खेली केतन ने, 1 रन हासिल करेंगे जब तक थ्रो आता दोनों बल्लेबाजों ने, और 1 रन पर ही संतुष्ट रहना होगा। स्कोर 1 रन से आगे जाता हुआ
एक बड़ा लक्ष्य रखना होगा इंडो राइडर्स टीम के सामने, 102 रनों का लक्ष्य पार किया था इसी टीम ने, तो बड़ा लक्ष्य रखना होगा डोंबिवली ग्रामीण इस टूर्नामेंट में, इस प्रतियोगिता में। डोंबिवली से शारजा तक का सफर तय किया है और यहाँ आके एक जीत जरूरी है अगले संस्करण के लिए, और वही प्रयास होगा डोंबिवली ग्रामीण टीम का। ग्रामीण में काफी मशहूर है टीम। बैकफुट पर जाके पॉइंट की दिशा में खेलना चाहते थे, चकमा दे दिया गेंद ने अनास के, सीधा विकेट कीपर जफर के हाथ में जाती हुई और एक डॉट बॉल देखने मिली। विकेट कीपर जफल जमाल जो केरला के लिए रणजी क्रिकेट भी खेल चुके हैं। अंबुटी की ये गेंद सामने की दिशा में खेली, लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेली, एक रन हासिल करेंगे बल्लेबाज के धन, एक रन से स्कोर आगे जाता हुआ। बल्लेबाज का काम यही होता है, स्ट्रोक लगाने होते हैं, सिंगल डबल्स चौके छक्के लगाने होते हैं, रन करने होते हैं। हाथ में जो बल्ला है बल्ले से रन करना है, ये कार्य करना होता है बल्लेबाज को। गेंदबाज को डॉट बॉल डालनी होती है, विकेट निकालने होते हैं, और वही कार्य करने के लिए गेंदबाजी के मोर्चा संभाला हुआ है अनास ने। काफी मशहूर है केरला में गेंदबाजी के लिए। बिग हिट, बड़ा स्ट्रोक, हवाई फायर, थर्ड अंपायर तय करेंगे क्या है डिसीजन, सिक्स है या आउट है। केतन आउट होकर वापस लौटना होगा, रिले कैच यहां देखने मिला। स्नेहल पटेल गुजरात से बिलोंग करते हैं, नए बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए मैदान के ऊपर। योगेश मात्रे काफी तेज तर्रार गेंदबाज भी है, बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आते हुए योगेश और विक्रम शेलार और योगेश बल्लेबाजी के लिए। अनास की ये गेंद दिशाहीन थी और अंपायर मोहम्मद रफी अपने अलग अंदाज में इस को वाइड करार देते हुए।
डोंबिवली ग्रामीण स्टार लीग का आखिरी मैच खेलते हुए अच्छी गेंद फिर एक बार अनास द्वारा देखने मिली, उसको पॉइंट की दिशा में खेला, ड्राइव किया और स्कोर फिर एक बार एक रन से आगे जाएगा, स्कोर जाता हुआ 44 रनों पर, जबकि ओवर चलता हुआ जबकि छठा ओवर चलता हुआ आज के दिन का आखिरी मुकाबला जहां इंडो राइडर्स बनाम डोंबिवली ग्रामीण स्टार की मैच चलती हुई छठे ओवर में बल्लेबाजी करते हुए डोंबिवली ग्रामीण स्टार 44 पर। अगली गेंद ऑन साइड हल्के हाथों से ऑन साइड की दिशा में खेला, इस गेंद को एक रन पूरा किया, दोनों बल्लेबाज दौड़कर दो रन पूरे किए और इसी तरह से रन निकालने होंगे डोंबिवली ग्रामीण स्टार को। 6 ओवर की समाप्ति और 6 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर 46 पर 6 विकेट के नुकसान पर। शारजा स्टेडियम पर हर एक खिलाड़ी आज हर एक खिलाड़ी का सपना पूरा होगा, जो खिलाड़ी जिन्होंने अपने जीवन में छोटा क्रिकेट खेला है, गली में क्रिकेट खेला है, सड़कों पर क्रिकेट खेला है, पार्किंग में क्रिकेट खेला है, नदिया किनारे क्रिकेट खेला है, समंदर किनारे क्रिकेट खेला है और बिल्डिंग के टेरेस पे भी किसी ने क्रिकेट खेला है, और उन सभी का सपना आज साकार होगा और सभी खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिल रहा है शारजा स्टेडियम पर टेनिस बॉल का क्रिकेट। हम शुक्रगुजार पेट्रोमैन इवेंट के जिनके द्वारा ये प्रतियोगिता एक टेनिस बॉल को एक अच्छे मंच पर लेके जाती है प्रतियोगिता। 6 ओवर के बाद 46, अभी भी 2 ओवर शेष है, आने वाले 2 ओवर में अगर यहां से 20-25 रन बनते हैं तो एक अच्छा मैच देखने मिलेगा हमें। जितिन एक एंगल बनाकर बॉलिंग करते हैं, क्रॉस आर्म एक्शन है, टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आती हुई एक गेंद बल्लेबाज को चकमा दे गई, 6 विकेट के नुकसान पर 46 पर स्कोर रुकता हुआ डोंबिवली ग्रामीण स्टार का। विक्रम इस बार ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, बैकफुट पर जाके खेलना जरूर चाहते थे मगर वेरिएशन था और बैट पर आ नहीं सकी ये गेंद और विकेट कीपर के हाथों में जाती हुई 46 पर स्कोर रुका हुआ। बैक टू बैक लगातार 2 गेंदे डॉट डाली इस गेंदबाज ने जतिन, अब तक दूसरा ओवर चला, सिर्फ 5 रन खर्च किए इस गेंदबाज ने। भारत के हर एक कोने से खिलाड़ी यहां दाखिल हुआ है, पाकिस्तान, श्रीलंका, गल्फ कंट्रीज, पूरी गल्फ कंट्रीज से भी खिलाड़ी यहां आते हुए इस टूर्नामेंट में शिरकत करते हुए विश्व स्तर का आयोजन हम यहाँ देख रहे हैं टेनिस बॉल क्रिकेट का। ये शुरुआत है, इसके आगे टेनिस बॉल क्रिकेट का वर्ल्ड कप हम देखने वाले हैं आने वाले दिनों में। टेनिस बॉल आगे आगे और बहुत आगे जाए, इसलिए हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं। गली से लेकर स्टेडियम तक का सफर टेन पीएल द्वारा हमने तय किया है। इस बार कवर्स की दिशा में खेलने की कोशिश, एक अच्छा स्ट्रोक वहां देखने मिला, एक रन पूरा किया, दूसरे रन की भी कोशिश, कामयाब रहे दोनों बल्लेबाज। हर एक रन जरूरी होता है, आंखों में इशारा किया और चुरा लिए 2 रन, जहां 1 रन की गुंजाइश थी 2 रन दौड़कर पूरे किए बल्लेबाजों ने। 48 पर जाता हुआ स्कोर जबकि 7वां ओवर प्रगति पर है। इस गेंद को खेलना चाहते थे ऑन साइड में मगर बैट के में आ नहीं सकी और एक्स्ट्रा रन व्हाइट बॉल करार दिया अंपायर ने, बाहर दिशा से भटके थे। इस बार गेंदबाज एक्स्ट्रास के रूप में 1 रन आता हुआ 49 पर डोंबिवली ग्रामीण स्टार। शारजा क्रिकेट स्टेडियम जीवन के ए पल हमेशा याद रहेंगे हम सभी के, असलम सरगुरु सर, हमारे अंपायर्स, कॉमेंटेटर, स्कोरर, कवरेज टीम, उनके लिए भी ये राहिल और एक विकेट का पतन होता हुआ डोंबिवली टीम का। विक्रम सेलर वापस लौटेंगे आउट होकर,
बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी जड़ में करना चाहते थे, यॉर्क देखने मिली और कोई जवाब नहीं था बल्लेबाज के पास और वापस लौटना होगा पेवेलिन की तरफ। नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर आते हुए केजू मुंडे जो है आगासान गांव से बिलोंग करते हैं, आज आगासान से लेकर शारजा तक का सफर तय किया है मगर यहाँ तक आने में बहुत कुछ कर चुके हैं तब तक यहाँ आ चुके हैं। कोई यहाँ आसानी से नहीं आता पर आपको परफॉर्मेंस देना होता है आपके गांव में, आपके तहसील में, आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके स्टेट में, तब यहाँ तक का सफर तय होता है। केजू मुंडे और योगेश मात्रे दो बल्लेबाज, सातवा ओवर चलता हुआ 49 पर 7। इंडो राइडर्स काफी बढ़िया टीम है, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो डोंबिवली ग्रामीण स्टार इनका खिलाड़ियों के पास भी जबरदस्त काबिलियत है और काबिलियत का लोहा इस मैच में मनवाना होगा। 8 ओवर के इस मैच में अगर 55-60 रन तक भी डोंबिवली ग्रामीण स्टार जाती है तो एक अच्छा मैच हमें देखने मिलेगा। काफी बढ़िया गेंदबाज भी है डोंबिवली ग्रामीण स्टार के पास। अगली गेंद आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, इस गेंद को भाप नहीं सके और सीधा जाके शरीर से टकराई और आउट होकर वापस लौटना होगा केजू मुंडे को। सीधा पैरों से टकराई, LBW पग बाधा। एक्शन एडवांटेज मिलता हुआ इस गेंदबाज को जतिन, अब तक सिर्फ 8 रन खर्च किए, दूसरा ओवर उनका प्रगति पर है, 3 विकेट हासिल किए और अब हैट्रिक के कगार पर। बाला बोराडे नए बल्लेबाज और जैसे ही बाला बल्लेबाजी के लिए मैदान के ऊपर और तालियां शुरू हो गई, बहुत सारा फैन क्लब है। नवापाड़ा गांव से भी बिलोंग करते पिंटा जोशी और बाला बोराडे, बेस्ट बॉलर का किताब भी हासिल किया रतन बाबा पाटिल स्मृति चषक में। पहली गेंद को रन में तब्दील किया बाला ने मगर रन आउट के रूप में वापस लौटना होगा योगेश मात्रे को। कॉलिंग नहीं थी, डोंबिवली ग्रामीण स्टार स्कोर जाता हुआ 50 रन पर मगर 9 विकेट पैवेलियन पर पैवेलियन की ओर जा चुके। विवेक शेलार आएंगे बल्लेबाजी के लिए, नए बल्लेबाज साथ देने बाला बोराडे का। एक और अभी भी शेष है, इस पारी का आखिरी ओवर और आखिरी ओवर के लिए स्नेहल पटेल को आमंत्रित किया गया। गुजरात के एक बेहतरीन ऑलराउंडर स्नेहल पटेल गेंदबाजी के लिए आते हुए शारजा इंटरनेशनल स्टेडियम में 10PL प्रतियोगिता में गेंदबाजी के लिए दाखिल है मगर आखिरी विकेट है डोंबिवली ग्रामीण स्टार का। बाला बोराडे क्या बड़े स्ट्रोक लगाएंगे, उनका साथ विवेक शेलार देंगे, इस आखिरी ओवर में कितना रन निकालेगी डोंबिवली ग्रामीण स्टार। आखिरी विकेट आखिरी ओवर, स्नेहल की अगेन ऑन साइड की दिशा में खेलने की कोशिश थी बाला बोराडे की और लेग बाइज के स्वरूप में एक रन जरूर मिलेगा, किसी भी तरह से रन आए, रन आना जरूरी है इस वक्त डोंबिवली ग्रामीण स्टार को 51-9 विकेट के नुकसान पर। डोंबिवली ग्रामीण स्टार अपने जीवन का हर एक खिलाड़ी बहुमूल्य अनमोल टूर्नामेंट खेलते हुए ये प्रतियोगिता, बेहतरीन गेंद यहां देखने मिली स्नेहल पटेल द्वारा और आउट होकर पैवेलियन की दिशा में जाते हुए खिलाड़ी
51 रनों पर ऑल आउट होती हुई डोंबिवली ग्रामीण स्टार, जीत के लिए 52 रनों की आवश्यकता, 52 रन की जरूरत टीम इंडोर राइडर टीम के लिए। बेहतरीन शुरुआत, 52 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए। हम देख सकते हैं टीम डोंबिवली, विजय पवार ने काफी प्रभावित किया, 9 गेंदों में 19 रन, नीलेश मात्रे 5 रन, तुषार पाटिल खाता नहीं खोला, साई शेलार भी खाता नहीं खोल सके, मनोज जोशी 4 रन, केतन मात्रे 4, विक्रम शेलार 4, कोई बल्लेबाज विजय पवार के अलावा मगर सिर्फ 51 रन पर पारी रुकती हुई डोंबिवली ग्रामीण स्टार की। अनास बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा पेश किया, अनास ने 2 ओवर डाले, 2 ओवर में सिर्फ 16 रन खर्च किए, धीरज सिंह 1 ओवर में 7 रन, जतिन 2 ओवर में 3 विकेट हासिल किए, सबसे कामयाब और सफल गेंदबाज जतिन थे जिन्होंने सिर्फ 9 रन खर्च किए और 3 विकेट हासिल किए, सैनिल 2 ओवर में 4 विकेट चटका लिए थे मगर 17 रन खर्च किए थे, स्नेहल पटेल 1 ओवर 1 विकेट और कोई रन नहीं। इस तरह गेंदबाजी काफ़ी बढ़िया रही इंडोर राइडर्स की। डोंबिवली ग्रामीण स्टार रन भले ही कम हो मगर उनके पास काबिलियत है, उनके पास क्षमता है इस रन में भी फाइट करने की, वो जज्बा उनको उनके पास है और मगर वो जज्बा गेंदबाजी में उनको दिखाना होगा, फील्डिंग में दिखाना होगा जब दूसरा सत्र इस मैच का शुरू होगा। अभिजीत पवार को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा, लखवा क्रिकेट, मुंबई में लखवा क्रिकेट काफ़ी मशहूर है, लखवा क्रिकेट को मशहूर करने में जिनका भी नाम है थॉमस के साथ अभिजीत पवार का भी नाम जरूर मैं लूँगा, रत्नागिरी से बिलोंग करते हैं चिपलून, और इस मैच के दूसरे सत्र का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए आमंत्रित करूँगा अभिजीत पवार। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया चंदू सर, जिस प्रकार से आज एकमात्र जो इतिहास में सुवर्ण अक्षरों से लिखा जाने वाला मैच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में मराठी
पहला कौन सा कमेंटेटर जिन्होंने मराठी में कमेंट्री की, तो नाम आएगा चंद्रकांत शेट्टी सर। और यही आज एक और आकर्षण भरी बात रही, जिस प्रकार से हरीश सर और हमारी पूरी कमेंट्री टीम ने बहुत ही मेहनत की, नॉट टू फॉरगेट अ वेरी एनर्जेटिक रहमत हुसैन AKA उसामा एंड कुणाल दाते सर, इन सभी ने आज हम सभी को एंटरटेन किया है। एंड थैंक यू सो मच अगेन पेट्रोमान इवेंट्स, जिस प्रकार से 10PL सीजन 3 का सफल आयोजन लाइव शारजा क्रिकेट स्टेडियम से हम मैच देख रहे डोंबिवली ग्रामीण स्टार्स और इंडो राइडर्स, इनके बीच 52 रनों की जरूरत 48 गेंदों में। पहली गेंद केजे मुंडे की, पहली गेंद सफल होकर एक बड़ा हिट करना चाहते थे, लेकिन पूरी तरह से मिस कर गए। डोंबिवली ग्रामीण स्टार्स के लिए ये बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग मैच होगा, जिस प्रकार से उन्होंने एक सम्मानजनक स्थिति में आने की कोशिश जरूर की थी, बल्लेबाज इतना खासा काम नहीं कर पाए, तो अब जाकर गेंदबाजों की बारी है कि वो अपना हुनर दिखाए, अपना कर्तव्य दिखाए। ये विन विन सिचुएशन है दोनों ही टीम के लिए, मस्ट विन सिचुएशन है। जो कि अगली गेंद, बड़ा प्रहार करने की कोशिश, गेंद के नीचे और कैच बहुत ही आसानी से लेंगे। वेल डन विवेक, वन ऑफ द सेफेस्ट पेयर ऑफ हैंड्स, पहले विकेट का पतन होता हुआ, पहला बड़ा झटका लगता हुआ इंडो वॉरियर्स, इंडो राइडर्स की टीम अभिषेक के माध्यम से ये पहला विकेट। वेल डन केजू, अपने सही लाइन एंड लेंथ पर विश्वास रखते हुए, और विवेक ने और एक बेहतरीन कैच लिया है। विवेक के कैचेस बहुत अच्छे रहे पूरे टूर्नामेंट में, और ये वेरी वेल जज कैच, वेल डन विवेक। सो रनों का खाता खुलने से पहले चंदू सर, खाता खुल गया है विकेट का। अभी ये केजू मुंडे है, आगासान गांव से बिलोंग करते हैं, और अजीब थोड़ा एक्शन थोड़ा सा अजीब सा है, मगर काफ़ी रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं, लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करते हैं। और अभिषेक चौधरी जैसे बड़े बल्लेबाज को सस्ते में पेवेलियन की तरफ भेजा, भले रन कम हो मगर इस रन में भी हम फाइट कर सकते हैं, ये जज्बा इस टीम में है, नाम है डोंबिवली ग्रामीण स्टार। बिल्कुल सही, जिस प्रकार से कभी ना हार न मानने वाला जो एटीट्यूड है, यही आपके क्रिकेटिंग करियर में आपको आगे लेके जा सकता है। अगर आपने हथियार डाल दिए, प्री डिटरमाइंड अगर कुछ सोच लिया कि नहीं अब इतने कम रन को हम किस तरह से डिफेंड करें, ये ख्याल अगर आपके दिमाग में आया तो ये बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। सो बहुत ही अच्छी बात, यहाँ केजू मुंडे एक यूनिक एक्शन है, ऑर्थोडॉक्स एक्शन है, लेकिन यही एक्शन उनकी स्ट्रेंथ है, क्योंकि जिस प्रकार से उनकी एक्शन है, बल्लेबाज को थोड़ी सी दिक्कतें ज़रूर आती होगी कि किस तरह से ये खेला जाए, कहाँ से जो एक्शन से आम जो डिलीवर होता है वेव हो जाता है, अक्रॉस आता है, गेंद को जज करना बहुत ही डिफिकल्ट है, रिस्ट से देखना बहुत डिफिकल्ट है। नए बल्लेबाज दाखिल हुए हैं कनन, जो नॉन स्ट्राइक पर है, और स्ट्राइक पर है रोहित। केजू की अगली गेंद, फिर से बड़ा हिट करने की कोशिश, बल्ले का ऊपरी हिस्सा लगा है, और उतना ही अच्छा काम योगेश द्वारा, रन आउट का मौका हो सकता था लेकिन फार एंड पर थ्रो नहीं, विकेट कीपर के तरफ ये थ्रो गया, सुरक्षित रहेंगे। इसी के साथ अब पहला रन अर्जित करते हुए इंडो राइडर्स की टीम, डोंबिवली ग्रामीण कि टीम को पता है कि ये कम रन जरूर है लेकिन इनको डिफेंड किया जा सकता है। पहले तीन गेंदों में केवल मात्र एक रन दिए केजू मुंडे ने, और एक विकेट अपने नाम पर के लिए अभिषेक जैसे एक होनार बल्लेबाज को वापसी का रास्ता दिखा दिया। क्या बात है, केचू का जादू चल गया और एक बड़ा विकेट, दूसरा बड़ा झटका लगता हुआ इंडो राइडर्स की टीम को, कनन हो गए हैं OUT आउट। कि चंदू सर आप इसी के बारे में बात कर रहे थे, केजू की एक्शन ऑर्थोडॉक्स से अलग है, यूनिक है, लेकिन वही उनकी स्ट्रेंथ है, दूसरी सफलता मिली। हेलो
काफी बढ़िया गेंदबाजी की, जो इसीलिए जाने जाते हैं सती गेंदबाजी करते हैं, सती और लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करते हैं और रफ्तार भरी गेंदबाजी, हवा से बातें करती है उनकी गेंदें, और जिस तरह उन्होंने गेंदबाजी की, बल्लेबाज कनन पहले इसके पहले मैच में 3 छक्के लगाए थे इस बल्लेबाज ने, मगर सस्ते में वापस भेज दिया उस बल्लेबाज को केजी मुंडे ने। इंडो राइडर्स एक बड़ी टीम है और इस पूरी प्रतियोगिता में काफी बढ़िया खेल किया, मगर इस मैच में भले 52 रन जीतने के लिए हो, मगर फाइट करेगी डोंबिवली। ये अब समझदारी से एक बड़ी साझेदारी बनाना ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा इंडो राइडर्स के लिए। एक एक रन से एक बड़ी पार्टनरशिप की तरफ रुक करना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि 2 जल्दी विकेट गिरे और 2 जल्दी विकेट गिरने के बाद अपने आप को संभालना होगा, संवारना होगा, तब जाकर आप इन 52 रनों का पीछा करने की सोच सकते हैं। और यही सोच इंडो राइडर्स के लिए है। इंडो राइडर्स के सभी प्लेयर्स ने फर्स्ट इनिंग में अच्छी परफॉर्मेंस की, बॉलर फील्डर्स अच्छा योगदान रहा, सही कैप्टनशिप हुई, लेकिन इसका जवाब देने के लिए आई हुई टीम डोंबिवली ग्रामीण ने अपने हौसले यहाँ बुलंद किए हैं। चुकी है लो फुल टॉस डिलीवरी, मिस कर गए इस गेंद को और गेंद पहुंचेगी अपनी मंजिल पर। इस इनिंग का मिलेगा ये 4 रन का तोहफा। ये केजू की ये इंटेंशनली बोल्ड लो फुल टॉस डिलीवरी थी और इसको कलाइयों के सहारे बड़ा हिट करने की कोशिश, फील्डर तैनात जरूर किया था, लेकिन अनइवन बाउंस उनके सामने से ठीक गेंद बाउंस होकर बाउंड्री की तरफ रुक कर गई। मिलेंगे 4 आखिरी गेंद पर पहले ओवर के समाप्ति के बाद, रन हुए हैं 6 2 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंदबाजी, थोड़ी सी बिग स्पिल देखने मिली आखिर में इस ओवर के अभी, और 2 विकेट मगर जरूर चटका लिए। यहाँ विकेट फैक्टर महत्वपूर्ण होगा, इसी तरह से विकेट आते गए तो मैच में जरूर आ सकते हैं टीम डोंबिवली ग्रामीण इंडो राइडर्स के खिलाफ। सर लोकल टाइम 1:25 हुए हैं और जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में अराउंड जो टाइम हुआ है ऑलमोस्ट 3 o'clock है, लेकिन अभी बहुत सारे लोग जो कि डोंबिवली ग्रामीण, डोंबिवली और इर्द गिर्द की पूरे महाराष्ट्र के उनके फैन फॉलोअर्स है, वो ये मैच सीधा प्रसारण देख रहे हैं, साथ ही साथ गुजरात की तरफ इंडो राइडर्स के सारे उनके जो फैन है वो ये मुकाबला देख रहे हैं। 10 PL का एक बहुत बड़ा आयोजन, आज का दिन इतिहास में सुवर्ण अक्षरों से अर्जित करता हुआ शारजा क्रिकेट स्टेडियम में टेनिस बॉल क्रिकेट की दुनिया में पहली बार इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच ऑर्गेनाइज किया गया, एग्जीबिशन मैच, नुमाइशी मैच, और वो मैच देखे 15 लाख व्यूअर्स ने और ये 15 लाख व्यूअर्स का एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है 70-70 की टीम ने। तारीफ भाई और उनकी पूरी टीम, विपुल दादा ने उनकी पूरी ब्रॉडकास्टिंग टीम, सारे मैच अपडेटर्स, वीडियोग्राफर्स, कैमरामैन, एवरीवन वेरी वेरी थरो प्रोफेशनल्स, बहुत अच्छा प्राउड फीलिंग है ये पूरे 10 PL के लिए। विवेक आते ही एक छोटी गेंद के साथ शुरुआत की, बहुत अच्छा स्ट्रोक को एग्जीक्यूट किया, नीलेश मोंगिया को मिलता हुआ ये पहला चौका, वाह, टाइमिंग भरपूर है, असरदार ये खिलाड़ी है और गेंद की लेंथ को जल्दी भाप लेते हैं। पटकी हुई गेंद थी, थोड़ी सी दूर थी और उसको पुल किया 4 रनों के लिए नीलेश मोंगिया, गुजरात के एक बेहतरीन बल्लेबाज के रूप में भी जाने जाते हैं और उनके बल्ले से आता हुआ एक करारा प्रहार 4 रनों के लिए। सीधे से इस पहली गेंद पर उन्होंने प्रेशर में डाल दिया है विवेक को, एक अच्छी गेंद के साथ शुरुआत की थी लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने अपने आप को जगह दी नीलेश ने और शॉट को अच्छी तरह से एग्जीक्यूट किया, ये उनकी सबसे अच्छी बात रही। रोहित 5 पर है, नीलेश मोंगिया भी 5 पर है, दोनों ही संभालने की कोशिश करें इस इंडो राइडर्स की टीम के बल्लेबाजी को। वादे की आवाज आह आई लेकिन बैट से बहुत ही जबरदस्त आवाज, मिलेंगे और 1-4, बैक टू बैक 2 बाउंड्री। टेन PL चौका लगता हुआ नीलेश मोंगिया के बल्ले से, 2 चौके आने के बाद पूरी तरह से प्रेशर को ईज डाउन किया है, बहुत अच्छी तरह से प्रेशर को पूरी तरह से फ्लश कर दिया है, यही खूबी है, यही खासियत है नीलेश मोंगिया इनकी।
वाह, इस गेंद के लिए तो तैयार थे, गेंद पहुंचती हुई अपनी मंजिल पर, मिलेंगे छे टेन पी एल सिक्सर। पटकी हुई गेंद थी, हुक कर दिया फाइन लेग की तरफ और छह रन हासिल किए इस बल्लेबाज ने। खराब गेंद थी और उसको अच्छी नसीहत देते हुए बल्लेबाज, इस तरह की गेंद के लिए वेट करते हैं बल्लेबाज, और वही किया गेंदबाज ने और फायदा उठाया बल्लेबाज ने आते हुए छह रन। ये पहले तीन गेंदों पर असलम सर 14 रन बना लिए, ये शुरुआत की अपेक्षा थी और नीलेश मुंगिया बिल्कुल सही रवैया अपनाते हुए पहले दो गेंदों पर दो चौके और इस छोटी गेंद पर एक आक्रामक रवैया, छः के साथ कुल मिलाकर तीन गेंदों में 14 रन दिए हैं विवेक ने। कैचिंग उनकी बहुत अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं बॉलिंग में थोड़ा सा पैनापन लाना बहुत ही ज़रूरी होगा ग्रामीण डोंबिवली ग्रामीण के लिए। ये एक अलर्ट होगा, ये खतरे की घंटी यहां बजती हुई, क्योंकि कम स्कोर है उसको डिफेंड करना है 52। ये अच्छी गेंद, सही चैनल पर ये गेंद को किया गया था ऑफ स्टंप और ऑफ स्टंप के बाहर की तरफ कट करने की कोशिश थी नीलेश की, लेकिन अंदरूनी हिस्सा लगकर विकेट कीपर के पास ही गेंद गई। एक रन मुकम्मल करते हुए 21 पर दो विकेट दो गेंद शेष इस ओवर की, 15 रन चार गेंदों में 15 रन दे दिए हैं विवेक ने। अपेक्षाएं विवेक के पास है कि वो कहीं ना कहीं विकेट ले, लेकिन इंडो राइडर्स रोहित एंड नीलेश अपने बिल्कुल शुमार पर है। खासकर अगर नीलेश की बात करें तो 5 गेंदों में उन्होंने 16 रन स्थापित किए हैं। अच्छा अप्रोच, पॉजिटिव इंस्टिंक, इंटेंस उनकी बैटिंग में नजर आती हुई। ये बहुत अच्छा हिट, कोई मौका नहीं फील्डर को, मिलेंगे 4 टेन पी एल चौका। रोहित देखिए पहले ही अपने पॉपिंग क्रीज से आगे खड़े थे और गेंद की लेंथ को बहुत अच्छी तरह से आपका वन बाउंस ओवर द रोप चौका, 4 रन, महंगा ओवर विवेक के लिए। 19 रन दिए पहले 5 गेंदों में, अब भी एक गेंद शेष है। ये अच्छी गेंद, आखिरी गेंद डॉट गेंद, इसी के साथ एक महंगी ओवर की समाप्ति की है विवेक ने। 19 रन दिए अपने निजी पहले ओवर में और 25 पर दो दो ओवर के समाप्ति के बाद इंडो राइडर्स की टीम। सो करंट रन रेट है 12.50 का और रिक्वायर्ड रन रेट है 4.5 का, तो इससे 3 गुना ज्यादा तेजी से रन बनाते हुए इंडो राइडर्स की टीम। यहाँ सोच जरूर होगी डोंबिवली ग्रामीण के लिए सोचने वाली बात कि कौन से गेंदबाज उनको विकेट लेकर देंगे। बड़ा आस्क नहीं है, एकदम एक सम्मानजनक स्कोर बनाया था डोंबिवली ग्रामीण स्टार्स की टीम ने। 27 रनों की जरूरत है 6 ओवरों में, और जिस प्रकार से शुरुआत हुई है पावर प्ले में पावरफुल बैटिंग नीलेश मोंगिया और रोहित, इनकी बल्लेबाजी आकर्षण का केंद्र रही पहले 12 गेंद के खेलों में। हमारे 10PL के सभी स्पॉन्सर्स, इनको हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। टाइटल स्पॉन्सर पेट्रोमान, वेन्यू पार्टनर शारजा क्रिकेट स्टेडियम, डिजिटल पार्टनर ई क्राफ्ट मीडिया, FNB पार्टनर दिल्ली दरबार, सपोर्ट्स स्पॉन्सरर्स WBT टीक टिम्बर्स, गल्फ इंटरनेशनल, ग्लोबल कंप्यूटर्स, एरिन हाइजीन गार्ड, OOK आर्किटिंग पार्टनर, ट्रैवल पार्टनर एयर अरेबिया, बेवरेजेस पार्टनर मेल्ट वाटर, लाइव स्ट्रीमिंग पार्टनर 7070 एंड क्रिएटिव पार्टनर टूल्स मार्कॉम प्राइवेट लिमिटेड। जी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ दोनों ही टीम से कि मैच थोड़ा सा आप जल्दी करें। योगेश गेंदबाजी के लिए आएंगे डोंबिवली ग्रामीण स्टार्स के लिए, 25 पर दो है। सभी हमारे स्पॉन्सर्स का हम दिल से आभार प्रकट करते हैं। पहली गेंद योगेश की गिरकर अंदर की तरफ आई, नीलेश ने बहुत ही बेहतरीन अंदाज से एक रन के लिए गेंद को खेल दिया।
बहुत ही समझदारी से बैटिंग करते हुए नीलेश मोंगिया, ज़्यादा कोई जल्दबाजी नहीं दिखाते हुए, पावर प्ले का रिस्ट्रिक्शन खत्म हुआ है, वो जानते हैं अपनी टीम के लिए ये मैच जीतना कितना इम्पोर्टेंट है। और राहिल हर स्कोर एनालाइज देते हुए, राहिल एंड पंकज जब हमारे साथ जुड़ चुके, हमारे डिजिटल स्कोरर जो कि स्कोर लैग आपको दिखाई दे रहा है, पहले ओमकार तेरा पंकज आए, वेलकम। सो 26/2 रनों का पीछा करते हुए इंडो राइडर्स की टीम, पहले दो बड़े झटके लगे लेकिन उसके बाद नीलेश ने इस पूरे इनिंग्स को संभाला है, सवारा है, सजाया है। स्विच इट करने का प्रयास, चार रन जरूर मुकम्मल हो गए, चार रन मिलेंगे लेकिन लेग बाइस के रूप में रन जैसे भी आए खुले दिल से स्वागत ही करेंगे इंडो राइडर्स की टीम और मोहम्मद रफी सर का ये अलग अंदाज। सो वन ऑफ द हाइलाइटिंग पार्ट ऑफ दिस 10 PL सीजन 3 इज आर ऑल आर मैच ऑफिशियल्स, सारे हमारे मैच ऑफिशियल्स राइट फ्रॉम करुणाकर कोटियन सर, देन कल्याणी घोरपड़े सर एंड आर ऑन फील्ड अंपायर्स फयाज शेख सर एंड मेन अंपायरिंग की भूमिका में नजर आते हो मोहम्मद रफी सर, एंटरटेन किया है एंड नॉट टू फॉरगेट जिन्होंने ये पूरी अनुभवी पैनल्स को लीड करते हुए, असलम सरगुरु सर जो हमारे साथ कमेंट बॉक्स में मौजूद है, अच्छा स्तर रहा है वो इस सीजन का, तीसरा साल बेमिसाल, और बेमिसाल क्यों रहा है, जिस प्रकार से शारजा क्रिकेट स्टेडियम में इतना बेहतर स्तर का ये तीसरा सफल आयोजन, शारजा क्रिकेट काउंसिल देन एमिरेट क्रिकेट एसोसिएशन, एमिरेट क्रिकेट बोर्ड, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC, कोड ऑफ कंडक्ट में सारे टूर्नामेंट का आयोजन, क्या बेहतरीन अंदाज से रोहित ने इस गेंद को पहुंचाया है अपनी मंजिल पर चार रन के लिए, घूम घुमा के डिसीजन देते हुए अंपायर मोहम्मद रफी सर, और एक 10 PL चौका, चार रन की बदौलत स्कोर पहुंचता हुआ 34 रनों पर। चौतीस पर दो है, 18 रन की जरूरत 32 गेंदों में, 18 रन रिक्वायर्ड फ्रॉम 32 बॉल्स एंड ऑलमोस्ट 60% रन कवर कर लिए है इंडो राइडर्स की टीम को, अभी जो आने वाले रनों का पीछा करना है, संभल कर सवर कर, यही बात डगआउट से आता हुआ है, क्लियर मैसेज रोहित एंड नीलेश मोंगिया के लिए, अच्छी बैटिंग लाइनअप है, बड़ी बैटिंग लाइनअप है, बट इन दोनों ही बैट्समैन पर ये पूरी मैच निर्भर करती हुई। बहुत अच्छी क्रिकेट, एक चौका जड़ने के बाद रोहित ने बहुत ही हल्की हाथों से इस गेंद को खेला, थोड़ी सी फंबलिंग जरूर हुई फील्ड में, एक रन से संतुष्ट होंगे रोहित एंड नीलेश, एक रन के साथ 35 पर है स्कोर, क्लियर एंड क्लीन क्रिकेट ये इस साल का सबसे बड़ा इंटेंशन रहा बेटरमैन इवेंट्स के माध्यम से, और उसको दो दिन लगातार अचीव करते हुए, क्लियर ऑर्गेनाइजिंग, क्लीन क्रिकेट, क्लीन ऑर्गेनाइजेशन, सारा स्तर बहुत ही उम्दा, बेहतरीन अंदाज से इस पूरे आयोजन का स्तर हमने देखा है, क्रिकेट की हर एक क्षण के लिए आज 15 लाख लोगों ने वो इंडिया पाकिस्तान के मैच को देखा। इसी के साथ 3 ओवर का खेल समाप्त, 3 ओवर के पश्चात रनों की स्थिति है 36 रन 2 विकेट के नुकसान पर, नीलेश बैटिंग करे 18 पर और रोहित बैटिंग करे 14 रनों पर। क्विक अगेन डिसीजन, एक निर्णय डिस्कशन करते हुए 36 रन 2 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर के समाप्ति के बाद 12 की औसत से बैटिंग करे नीलेश, रोहित एंड इंडो राइडर्स की टीम, सिर्फ 16 रन की जरूरत है और 5 ओवर का खेल अब भी बाकी है। डोंबिवली ग्रामीण स्टार्स ये सोच में होते हुए कि 2 विकेट जल्दी से आए, उसके बाद ये जो पार्टनरशिप बनी है, इस पार्टनरशिप ने एक सही स्तर पर लाके खड़ा रखा है टीम इंडो राइडर्स को। सो निर्णय स्पष्ट होगा, चौथा ओवर कौन करेगा, तो वो है केजू, जिन्होंने अपने निजी स्पेल में, पहले स्पेल में 2 विकेट हासिल किए थे, उनको बुलाया गया, और किसी भी कैप्टन को यही जरूरत है कि जिस गेंदबाज ने विकेट लिया है उसको ही बुलाया जाए,
शायद वही एक लक फैक्टर हो सकता है डोंबिवली ग्रामीण स्टार्स के लिए। विकेट लेंगे तो ही इस मैच में अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे, ये क्लियर मैसेज है, क्लियरली जानते हैं। ये मैच का रुख बहुत ही जल्दी से पलट दिया नीलेश मुंगिया ने, आते ही 7 गेंदों में 18 रन की एक धुआंधार पारी को आगे बढ़ाते हुए। और नॉट टू फॉरगेट रोहित ने भी 8 गेंदों में 14 रन का योगदान दिया है, मात्र 16 रन की जरूरत। व्हाट अ शॉट, लेकिन सीधे फील्डर के हाथों में ये गेंद, सो आउट होना होगा। आउट होकर वापस लौटेंगे नीलेश, बड़ा हिट करने की कोशिश की, पूरी तरह से इस स्ट्रोक को टाइम नहीं कर पाया। और केजो मुंडी अगेन लो स्कोरिंग मैच में भी इतनी अच्छी सटीक गेंदबाजी, अभी देखिए विकेट टेकिंग डिलीवरी, स्पीड अच्छी थी, गेंद बल्ले पर जल्दी नहीं आ पाई, इसमें ही चकमा खा गया। और योगेश का एक बहुत ही अच्छा कैच, तीसरी सफलता मिलती हुई केजो मुंडे के लिए। दूसरे एंड से इतना खासा साथ नहीं मिला है केजो को, और यही एक वरिंग फैक्टर रहा है, यही तकलीफ की बात रही है डोंबिवली ग्रामीण स्टार्स के लिए। शाकिर काकू और एक अटैकिंग बैट्समैन जो सिक्सेस में बिलीव करते हैं, टूर्नामेंट का जो दूसरा मुकाबला वो बिल्कुल यादगार रहा इंडो राइडर्स के लिए, जब एक गेंद पर बड़े सिक्स की अपेक्षा थी, जरूरत थी, शाकिर काकू ने वो बड़ा सिक्स मारकर अपने इस टीम के हौसले बुलंद किए इस बड़ी प्रतियोगिता में। टेनिस क्रिकेट दुनिया का ये विश्व कप है, वर्ल्ड कप है, और इसका हम सभी इसका एक हिस्सा रहे, इसका एक अभिन्न अंग रहे हैं। 36-3 पहली गेंद पर केजू को मिलती हुई बड़ी सफलता। सिर्फ गेंद को दिशा देने की कोशिश थी और एक रन की वो कोशिश सफल होते हुए। इंडो राइडर्स के लिए अब ज्यादा जोखिम की बात है नहीं, सिर्फ 15 रन की जरूरत है, 4.4 ओवर अब भी बाकी है, टेंशन वाली कोई चीज है नहीं। शाकिर आ चुके बैटिंग के लिए, बैटिंग मार्क को तय करते हुए, फील्ड को भापते हुए, देखते हुए कहां कौन से प्लेयर स्टेशन डे, इसको एक बार नजर रखते हुए, क्योंकि जिस प्रकार से उनकी एक अग्रेसिव अप्रोच रही है, क्या वो कंटिन्यू करेंगे? नहीं, यहां पर कमिट हो गए थे। इस गेंद को अपील की जाती हुई, बड़ी अपील और रिव्यू के लिए रिव्यू लेते हुए विकेट कीपर, डिसीजन पेंडिंग, वेट करेंगे हम हमारे थर्ड अंपायर असलम सरगुरु इनके निर्णय के लिए।
अभिजीत केजू मुंडे ने दिया और एक झटका। इस मैच का रिजल्ट क्या होगा मालूम नहीं, मगर केजू मुंडे इस मैच में अपने गेंदबाजी के निशान छोड़ना जरूर चाहते हैं। बिल्कुल सही चंदू सर, जिस प्रकार से कैप्टन और एक बार सोचते रहे कि किसको बॉलिंग दी जाए, तो हर बार हम यही बात करते हैं कि अपना जो ऐसा गेंदबाज है जिन्होंने पहले विकेट लिए, क्यों ना उनको ही बुलाया जाए। और वही सोच रही 3 गेंदों में 1 रन देकर और 2 विकेट हासिल किए केजू मुंडे ने। एक कमबैक हो सकता है, अब भी 15 रन की ज़रूरत है, लेकिन ये 15 रन करने के लिए खासा मशक्कत करनी पड़ सकती है। जफर जमाल जैफी ने बल्लेबाज रिप्लेस करते हुए शाकिर काकू इनको, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। रोहित ने आते ही उनसे कुछ बात की, एक क्विक चैट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ 15 रन की ज़रूरत है। 2 विकेट हासिल किए हैं केजू मुंडे ने इस ओवर में। यच गेंद, लो फुल टॉस डिलीवरी, आते ही स्वागत किया जफर जमाल का इस लूज फुल टॉस डिलीवरी के साथ। अपना निजी खाता खोलते हुए जैफी जफर एक बिजीएस्ट खिलाड़ी है, जब भी वो फील्ड में होते हैं विकेट कीपिंग करते हैं तो बहुत बिजी दिखाई देते, जिस प्रकार से हम देखते आ रहे हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर है जिसमें स्टीव स्मिथ जब भी आते हैं हर बार उनकी तरफ सभी की निगाह, तो ऐसे जैफी है, फील्डिंग ज़बरदस्त, बैटिंग अब उनकी देखने मिलेगी। बड़ी क्रिकेट खेली उन्होंने, लेदर क्रिकेट, टेनिस क्रिकेट का सबसे बड़ा स्तर NPL में आज इंडू राइडर्स का प्रतिनिधित्व करते हुए रोहित अब समझदारी से बैटिंग करें। जानते हैं कि आने वाले ये जो 13 रन होंगे उसका पीछा सही से अगर नहीं करते तो यहाँ कहीं ना कहीं बहुत खतरे की बड़ी घंटी बज सकती है इंडो राइडर्स के लिए। केजू मुंडे, चंदू सर जैसे की बात करते कि केजू मुंडे इस मैच में अपनी एक अलग छाप छोड़ने की कोशिश करें। बेस्ट फिगर्स है टिल नाउ फॉर केजू मुंडे, 9 रन देकर 4 विकेट हासिल किए। उनके स्पेल की ये आखिरी गेंद, बहुत अच्छी गेंद रन आउट के लिए, डिफिकल्ट चांस। जाफी ने 1 रन पूरा किया। इसी के साथ 4 ओवर का खेल समाप्त, 40 पर 4 इंडो राइडर्स की टीम। जफर जमाल 2 पर है और रोहित बहुत ही अच्छी तरह से एक एंड को संभाले हुए 16 रन बनाए 10 गेंदों में। केजू मुंडे 5 स्पेल कंप्लीटेड, 2 ओवर में उन्होंने रन दिए 10 और 4 बहुमूल्य विकेट अपने नाम पर प्राप्त कर लिए। बिल्डन, अच्छी बॉलिंग का समापन और ये होगा स्ट्रैटेजिक टाइम आउट, पैसिफिक वेंचर स्ट्रैटेजिक टाइम आउट। अभिजीत कैसे फील कर रहे हो, अभिजीत कैसे फील कर रहे हो इतना शारजा इंटरनेशनल स्टेडियम पर 10 PL में कमेंट्री कर रहे हो आप? ये सर ये सवाल का जवाब सीधे सीधे सर, ये प्राउड फीलिंग है, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में अशरफ भाई है, इनकी बदौलत आज यहाँ कमेंट्री करने का मौका मिला आपके साथ। अगेन रहमत जिनकी आवाज़ को देखकर, आवाज़ को सुनकर एक अलग सी ऊर्जा आती है, खुद इतने जोशीले, इतने एनर्जेटिक है। एंड कुणाल सर है, देन नॉट टू फॉरगेट वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या, इनके आप सभी के साथ इस कॉम बॉक्स में रहकर 10 PL का एक पार्ट कर बनना, विटनेस करना इस हिस्टोरिकल टूर्नामेंट के लिए, वर्ल्ड कप है टेनिस क्रिकेट का। और वंस अगेन दिल से मैं थैंक यू कहता हूँ अशरफ भाई के लिए जिन्होंने मौका दिया, आरिफ भाई अबाव ऑल, यस आरिफ भाई जिन्होंने वो एक पॉजिटिव फीडबैक दिया, रिप्लाई दिया। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन आरिफ सर, और ये पूरे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, हर एक लोगों का योगदान, हर एक वॉलंटियर्स, हर एक ऑपरेशंस की जो टीम है, अगेन देन अ मैच ऑफिशियल्स की टीम है, ब्रॉडकास्टिंग टीम, पूरी तरह से सभी ने अपना काम बहुत ही अच्छे से निभाया है। सो चंदू सर ये सबसे आकर्षण भरी बात रही, जिस प्रकार से प्लेयर्स एंटरटेन कर रहे हैं, एक तरफ मैच ऑफिशियल्स भी सही निर्णय देकर इस टूर्नामेंट का सर बढ़ा रहे, वैसे ही कमेंटेटर्स आप सब, यानी कि हम सब मिलकर इस टूर्नामेंट का एक बहुत बड़ा पार्ट है, एक सही तरफ ये इस टूर्नामेंट ने कई 4 चांद लगा दिए हैं, एक और अचीवमेंट और एक 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 मुकाम हासिल किया है 10 PL की पूरी टीम ने, पेट्रोमैन इवेंट की टीम ने। इंडिया पाकिस्तान का ये मैच
आज जो हुआ वो सबसे आकर्षण चर्चाएं चल रही है सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पर, 10pl.net के वेबसाइट पर, हर एक जगह इसकी ही बातें हो रही है। जिस प्रकार से थॉमस डायस ने बैटिंग की एंड अगेन उस्मान, अब वो सिर्फ रायगढ़ के टाइगर नहीं रहे, अब वो इंडिया के टाइगर है, जिन्होंने क्या ज़बरदस्त शुरुआत दी अपने टीम के लिए। कृष्णा सातपुते एंड एंड ऑफ द टाइम सुमित डेकले, तो ये पूरा हाल रहा। टीम इंडिया ने वो मैच बहुत ही आसान से जीत लिया और पाकिस्तान की टीम अगेन दिया द वॉरियर्स, उन्होंने बहुत सही फाइट बैक किया बॉलिंग में, जिस हिसाब से उनकी तेज तर्रार तीखी गेंदों का सामना किया। लेकिन हमारे जो इंडिया टीम के गेंदबाज है, खासकर विश्वजीत ठाकुर, अंकुर सिंह और हमारे स्पीड गन सांगली एक्सप्रेस विजय पाउले, इन्होंने भी बहुत ही बहुमूल्य योगदान किया। यस चंदू सर, इट इज़ अ वेरी प्राउड फीलिंग टू बी पार्ट ऑफ 10PL टेनिस क्रिकेट का वर्ल्ड कप। बारह रन की जरूरत आने वाले चार ओवर के खेल में। रोहित नॉट आउट है 16 पर, जफर जमाल नॉट आउट है 2 पर, दोनों ही बल्लेबाज 12 रन का पीछा करने की कोशिश कर रहे। ओटी चंदू सर, आपसे हम जरूर मराठी में सुनना चाहेंगे। जी हाँ, वेलकम बैक चंदू सर, 12 रन की जरूरत। धन्यवाद। डोंबिवली ग्रामीण टीमचं आम्ही खऱ्या अर्थाने कौतुक करू, कारण इथपर्यंतचा प्रवास चांगल्या चांगल्या खेळाडूंना ते इथपर्यंत घेऊन आले, जागतिक दर्जाचं ते क्रिकेट खेळत आहेत। रिझल्ट काय लागेल माहिती नाही, परंतु इथपर्यंत येणं, शारजा स्टेडियमवर पाऊल ठेवणं, ज्या खेळाडूंना गावासाठी खेळताना पाहतो त्यांनी स्टेडियमवर येऊन आणि ते देखील शारजा स्टेडियमवर येऊन खेळणं, प्रत्येकासाठी स्वप्नापेक्षा कमी नसणार आहे। म्हणून त्यांचं आम्ही कौतुक करू, आशा की किरण रायगडचंही कौतुक करू, कारण या दोन्ही टीममध्ये असे खेळाडू होते जे ग्रामीण क्रिकेट खेळतात, गावासाठी क्रिकेट खेळतात, आणि त्यांचं स्वप्न 10PL ने पूर्ण केलं। त्यांच्या दोन्ही टीमचे जे ओनर्स आहेत त्यांचे आम्ही आभारी आहोत। इतर टीम जर पाहिल्या तर जास्तीत जास्त व्यावसायिक भरणा आपण पाहू शकतो, परंतु या दोन्ही टीमचं विशेष कौतुक करावं लागेल। यावेळेला मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न समोरच्या दिशेने केतन, आम्ही आलेलो आहोत तर काहीतरी या ठिकाणावरून करून जाणारच, आमच्या डोंबिवलीची छाप सोडून जाणारच, तो या ठिकाणी प्रयत्न केला जातोय। मोठा स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी जरूर झाला होता। आणखीन एक अभिजितजी, मी नक्की सांगेल, ही तीच टीम आहे डोंबिवली ग्रामीण, ज्यांनी गेल्याच आठवड्यात 3,33,000 रुपये पारितोषिकाची प्रहार चषकी टुर्नामेंट झाली होती गोरेगावला। भल्या भल्या टीम्सला भारतातील पराभूत करत असताना फायनल जर कोणी जिंकली होती ओसामा, तर टीम आहे डोंबिवली ग्रामीण स्टार। आणि अगदी फाईट ती देखील टुर्नामेंट खूप चांगली झाली होती, परंतु आज आपण पाहत आहोत जागतिक दर्जाच्या शारजा स्टेडियमवर। लहानपणी मॅचेस पाहायचो आपण, शारजावरच्या मॅच अजूनही मला अकीब जावेदची बॉलिंग आठवते, ज्यावेळेला त्यांनी हॅट्रिक घेतली होती, भारताचा पराभव झाला होता, आणि तिथपासून अशा बऱ्याचशा मॅच डोळ्यासमोर येतात। परंतु शारजात आलेलं ते वादळ कधी विसरू शकत नाही, ज्यावेळेला भारतरत्न सचिन रमेश तेंडुलकर सरांनी खेळ केला होता। परंतु या ठिकाणी येऊन आमचे सर्व खेळाडू आज खेळत आहेत, काय अहोभाग्य आहे त्यांचं, हेच त्या सर्वांची पुण्य आहे अभिजीजी, ज्या सर्वांनी टेनिस क्रिकेट समृद्ध केलं, मग ते आयोजक असतील, खेळाडू असतील, प्रेक्षक असतील, या सर्वांनी जी तपश्चर्या होती ती आज फळाला आली आहे। आयुष्य दिलं कित्येकाने या क्रिकेटसाठी, कित्येकांनी संपूर्ण आयुष्यभरात जर पाहिलं तर कित्येक जे क्रिकेटचे चाहते आहेत अगदी ऑफिसला गेले नाहीत, परंतु क्रिकेटच्या मॅच पाहण्यासाठी आले, त्यांचं सर्वांचं चीज झालं आहे आज अभिजीजी। आणि पहा, आणखीन एक विकेट माघारी पाठवण्याचा या ठिकाणी प्रयत्न यशस्वी होताना पाहायला मिळतोय। डोंबिवली ग्रामीण स्टार आहेत, हार मानायला तयार नाही, रिझल्ट काय होणार मला माहित नाही, परंतु आम्ही लढणार, आम्ही आहोत डोंबिवलीकर। कॅच आपण पाहू शकता, एसटी रक्षकाच्या भूमिकेमध्ये कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेचे युवा नगरसेवक स्वतः एसटी रक्षण करतायत, कीपिंग करतायत, साई शिवाजी शेलार। आणि एक खूप मोठी खंब त्यांची टुर्नामेंट देखील असते, कोमणी थो धडाकेबाज बॅट्समन देखील आहेत,
आणि या अगोदरच्या मॅचमध्ये जर पाहिलं तर अगदी स्टेडियमच्या बाहेर बॉल मारला होता आणि कोणी मारला होता तर स्वतः साई शिवाजी शेलार नगरसेवक त्यांनी मारला होता. आणि तर विकेट तर एका मागोमाग पाठवल्यात आपण पाहू शकता. विकेट जर अशाच प्रकारे घेतल्या मॅचमध्ये येऊ शकतो, कारण काही येऊ शकतं. हा आहे क्रिकेटचा खेळ. 6 विकेट माघारे पडल्या इंडो रायडर्स, 41 लॉस ऑफ 6 विकेट. 21 बॉलमध्ये 11 रन करायचे आहेत, अजूनही 4 विकेट अजूनही बाकी आहेत. जर विकेट काढल्या, मी एकदा क्रिकेट स्पर्धा करत होतो, 10 बॉलमध्ये 1 रनची आवश्यकता होती बॅटिंग करणाऱ्या टीमला. अंडरआर्म क्रिकेट होतं, फायनल मॅच होती, आणि 2 विकेट गेल्या होत्या, परंतु बॉलिंग करणाऱ्या टीमने ती मॅच जिंकली होती. म्हणजे काही होऊ शकते क्रिकेटच्या खेळात. तर पाहूयात आज काय होत आहे. या वेळेला आपण पाहू शकता अपील तर अतिशय वेगवान पद्धतीने केला गेलेला आहे आणि आणखीन एक आशाची किरण पाहायला मिळते. डोंबिवली ग्रामीण स्टार संघ या ठिकाणी झुंज 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 देतोय. आणखीन एक विकेट घेतली गेली आणि आणखीन एकदा रिव्ह्यू. आज रिव्ह्यूचाही विक्रम झालाय असं मी म्हणेल. आणि चंदू सर, आपण अतिशय योग्य शब्दांमध्ये या डोंबिवली ग्रामीण स्टार्स यांचा उल्लेख केला. ज्या पद्धतीने युवा नगरसेवक आहेत, पण क्रिकेटचं आकर्षण एवढं वाढलं आहे की आपली जी सामाजिक जिम्मेदारी त्याला सांभाळून आज ते या इतिहासामध्ये अजून एक पान जोडलं गेलं डोंबिवली ग्रामीण स्टार्स यांच्याकडून. नगरसेवक क्रिकेट खेळतात आणि एवढे चांगल्या दर्जेची क्रिकेट खेळतात, ही यातली जमेची बाजू आहे डोंबिवली स्टार्स. डोंबिवलीसाठी आणखी एक गोष्ट मी जरूर सांगेल. राजू पाटील जे नवनिर्वाचित आमदार आहेत, स्वतः रतनबा पाटील स्मृती चषकाचे आयोजक आहेत आणि त्यांच्याकडून देखील खूप चांगलं. आणि सध्या आपण पाहू शकता संपूर्ण मित्र म्हणजे भारतामध्ये एकच वादा राजू दादा या गाण्याने अक्षरशः धुमाकूळ घातलाय. आणि ते देखील स्वतः स्वर्गीय रतनबा पाटील स्मृती चषकाचे आयोजक आहेत, लोकप्रिय मनसेचे आमदार देखील आहेत. आणि अर्थातच एक नुकतेच जर आपण या गाण्याबद्दल सांगितलं चंदू सर, जर आपण ट्रेंडिंगमध्ये बघितला तर भल्या भल्या बॉलिवूडच्या आणि टॉलिवूडच्या अर्थातच भोजपुरी सॉंग्सला मागे टाकून एक मराठी गाणं, ते पण प्रायव्हेट अल्बमचं गाणं, राजू एकच वादा राजू दादा, हे गाणं एवढं पॉप्युलर झालं आहे की आज संपूर्ण जगभरामध्ये हे गाणं वाजवलं आहे. डीजेचं फेवरेट गाणं आहे, नंबर 1 गाणं आहे ते एकच वादा राजू दादा. आणि अर्थातच ही कौतुकाची गोष्ट आहे. 10 PL 10 PL का एक अहम मुकाबला यह चलता हुआ इंडो राइडर्स बनाम डोंबिवली ग्रामीण स्टार के बीच. महज 52 रनों की जरूरत थी, मगर काफ़ी कसावट भरी गेंदबाजी देखने मिली. केजू मुंडे की भी तारीफ करनी होगी. और इसी बात को देखिए, ना हारने मारने वाली एटीट्यूड, जिस प्रकार से आपने कहा कि डोंबिवली ग्रामीण स्टार्स की ये खिलाड़ी है जो कभी जल्दी से हार नहीं मानते. ये योद्धा है, लड़ना है, डटे रहना है, संघर्ष करना है. हरीश सर ने वही बात कही थी कि संघर्ष ही जीवन है और जीवन के अंत तक संघर्ष जो करता रहेगा वो जीवन को अच्छी तरह से जीता रहेगा, लेकिन कभी हार नहीं माना है, संघर्ष करते रहना है. संघर्ष करना ही जीवन का एक अहम नियम है. हमारे 10 PL के सभी स्पॉन्सर्स को हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं. टाइटल स्पॉन्सर पेट्रोमान, वेन्यू पार्टनर शारजा क्रिकेट स्टेडियम, डिजिटल पार्टनर ई क्राफ्ट मीडिया, FNB पार्टनर दिल्ली दरबार, सपोर्ट स्पॉन्सरर्स WBT टीक टिम्बर्स, गल्फ इंटरनेशनल ग्लोबल कंप्यूटर्स एंड एरियन हाइजन गार्ड, किटिंग पार्टनर OOK, ट्रेवल पार्टनर एयर अरेबिया. आउट जी, आउट करार दिया है, निर्णय को सही ठहरा है. रिव्यूज यहाँ कोते हुए इंडो राइडर्स की टीम और एक बड़ा झटका लगता हुआ. चंदू सर, ये तो खतरे की घंटी हो चुकी है, बज चुकी है, लेकिन हमारे दो स्पॉन्सर्स हैं, इनको हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं. बेवरेजेस पार्टनर मेल्ट वाटर, लाइव स्ट्रीमिंग पार्टनर 7070 और क्रिएटिव पार्टनर टूल्स मार्कोम प्राइवेट लिमिटेड. कमी धावसंख्येत देखील मॅचमध्ये जान ओतली आहे डोंबिवलीकरांनी. ज्या पद्धतीने ते आतापर्यंत खेळत आहेत, 7 विकेट माघारी पाठवलेल्या आहेत, 11 रन अजूनही आवश्यक आहे. इंडो रायडर्सला जरूर या ठिकाणी 11 रन बनवायचे आहेत, परंतु
योगेश मात्रेचं कौतुक करावं लागेल. पहा आज विक्रम केला योगेश मात्रेने, कुठे केलाय तो देखील शारजा इंटरनॅशनल स्टेडियम वर. संपूर्ण डोंबिवलीकरांना अभिमान असेल या खेळाडूचा. नाव आहे योगेश मात्रे, गाव आहे मात्रेपाडा, शारजावर केलाय विक्रम. आणि विशेष म्हणजे या स्पर्धेतील पहिली हॅट्रिक घेण्याचा मान कोणाला जातोय, तर तो मान जातोय डोंबिवलीकराला. मात्रेपाडा या गावच्या खेळाडूला हा मान जातोय शारजा इंटरनॅशनल स्टेडियम वरचा 10 PL तिसऱ्या सत्रातील. देखिये यही बात सबसे यादगार रहेगी डोंबिवली ग्रामीण स्टार के लिए. देखते ही देखते जिस प्रकार से हम केजू मुंडे के बारे में बात करें, उन्होंने अपना काम कर दिया, लेकिन यहाँ योगेश मात्रे ने पहली हैट्रिक ली है इस 10 PL सीजन 3 की. कुठेतरी आशेची किरण जागृत केलेली आहे, अजूनही 10 रन करायचे आहेत, परंतु विकेट घेतल्या तरच. कारण धीरज सिंग आणि सनील ही दोन बॅट्समन मैदानाच्या आतमध्ये आहेत. तर पाहूया योगेश जबरदस्त बॉलिंग आतापर्यंत केली आहे. यावेळेला ऑन साईडच्या दिशेने स्ट्रोक खेळला, बॉल हातात जाईल आणि संधी होती त्या ठिकाणी धावबाची, परंतु कौतुक करावं लागेल. आणि विनंतीही असेल एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत या स्पर्धेतील 10 PL तिसरं पर्व. आणि तिसऱ्या पर्वातील पहिली हॅट्रिक कोणी घेतली असेल तर खेळाडू आहे डोंबिवली ग्रामीण स्टार संघाचा आणि नाव आहे योगेश मात्रे. या बिल्कुल सही चंदू सर, जिस प्रकार से इस मैच का पूरी तरह से रुख बदल दिया. जब निलेश मुंगिया थे तब ऐसा लग रहा था जल्दी से फटाफट ये मैच को कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन केजू मुंडे ने अपनी अच्छी बॉलिंग की स्पेल बरकरार रखी. उनके स्पेल में उन्होंने 4 विकेट हासिल किया और इसके बाद 3 लगातार विकेट लेकर, हैट्रिक लेकर योगेश मात्रे ने एक छोटा सा लेकिन धुंधला मौका यहाँ लाकर खड़ा कर दिया है डोंबिवली ग्रामीण स्टार्स के लिए. रनों की जरूरत है 10 और गेंदे बचे हैं 18. ये 10 रन करने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी धीरज सिंह या ना शानिल को, और काफी मजा जरूर आएगा. आखिरी गेंद तक ये मैच का रुख हो सकता है ऐसा हम उम्मीद करते हैं. जिस प्रकार से डोंबिवली ग्रामीण स्टार ने बहुत ही कड़ी वापसी की है, कहीं ना कहीं मिस जरूर करेंगे अपने स्ट्राइक बॉलर को सुल्तान खान इस मुकाबले में नहीं, अगर वो होते तो और तस्वीर कुछ अलग बयां करती. नक्कीच शेवटच्या क्षणापर्यंत झुंजायचं, हार मानायची नाही स्वतःला सातत्याने डोंबिवलीकरांनी सांगितलंय आणि आज देखील ते या ठिकाणी परतना पाहायला मिळत आहेत. भल्या मोठ्या संघाला आतापर्यंत त्यांनी नक्कीच झुंजवलंय. इंडो रायडर्स खूप मोठी टीम आहे, चांगली टीम आहे, परंतु डोंबिवली ग्रामीण स्टार खूप चांगले खेळत आहेत. 42 लॉस ऑफ 7 विकेट बॉलिंगसाठी दाखल होताना पाहायला मिळतील. विजय पवार जे आडवलीचे आहेत बॉलिंग करण्यासाठी दाखल होताना पाहायला मिळतील. बॅटिंगसाठी आपण पाहू शकता धीरज सिंग आलेत सॅनिलच्या जोडीला. स्ट्राईकवर आपण पाहू शकता शानिलला, कारण 7 विकेट गेल्यानंतर इंडो रायडर्सचा खेमा देखील आता अस्तव्यस्त पाहायला मिळतोय. कारण कुठेतरी आणखी एका दुसरी विकेट घेतली तर मॅचमध्ये काही होऊ शकतं, कारण हा क्रिकेटचा खेळ आहे. भल्या भल्या टीम्सला आपण पाहिलंय क्षणार्धात मॅचचे पारडं बदलताना पाहिलंय, आणि म्हणूनच की काय हा खेळ तुम्हा आम्हाला सातत्याने आनंद देतो, मैदानाकडे आणतो, रात्रभर जागवतो. का? कारण अशा प्रकारच्या मॅच होतात, म्हणूनच हा खेळ आपल्याला वेड लावतो. आणि आपण मात्र या खेळासाठी मात्र आपलं जीवन नक्कीच देत असतो. तो हा क्रिकेटचा खेळ आपण पाहतोय शारजा स्टेडियमवर. यावेळेला अकुट पैसा बॉल, मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न डोंबिवलीकरांना मिळालाय. आणखीन एक यश, अप्रतिम कामगिरी डोंबिवली संघाची या ठिकाणी पाहायला मिळते. झुंज काय असते, चिकाटी काय असते, आणि तदनंतर मिळालेल्या विकेट्स काय असतात ते या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळते. 8वा धक्का बसला या ठिकाणी. जी हाँ चंदू सर, देखिए जिस प्रकार से कभी ना हार ना मानने वाला एटीट्यूड जो है वही डोंबिवली ग्रामीण स्टार्स को यहाँ फल रहा है. केजू मुंडे अपने आप पर विश्वास रखे और उनसे प्रेरणा लेते हुए योगेश मात्रे ने हैट्रिक लिया और विजय पवार ने पहली गेंद पर एक बड़ी मछली अपने जाल में फंसा दी है. 8वें विकेट का पतन हो चुका है, अभी 10 रन की जरूरत है आने वाले 17 गेंदों में.
मैच इतनी जल्दी से पलट जाएगा ये किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन सोच कैप्टन डोमिली ग्रामीण स्टार की बहुत ही सही रही है। 8 विकेट माघारी परतलेले आहेत पर आणि अजूनही विजयासाठी 10 रन करायचे आहेत। जबरदस्त झुंज सुरू आहे। डोंबिवलीकर काय खेळलेत, डोंबिवली परिसरात जर पाहिलं तर सातत्याने आपण मोठमोठ्या टूर्नामेंट्स, भव्य दिव्य आयोजन जर महाराष्ट्रातील जर तुम्हाला पाहायचे असेल तर कल्याण डोंबिवली असेल, नवी मुंबई असेल, पनवेल, उरण या संपूर्ण बेल्टमध्ये आपण पाहू शकता। मग स्वर्गीय रतनबा पाटील स्मृती चषक असेल, खार्डी चषक असेल, मकर संक्रांती चषक असेल, खंबाळपाडीची स्पर्धा असेल, अशा बऱ्याचशा स्पर्धा आपण सातत्याने पाहतो याच डोंबिवलीमध्ये, त्याच डोंबिवली परिसरातील टीम। यावेळेला खराब बॉल आणि या खराब बॉलचा सामना केला फलंदाजाने, या बॉलला पाठवलं सीमारेषेच्या पलीकडे, 6-6-6-6-6 धावांसाठी षटकार। हम यही बात करने जा रहे थे कि डोंबिवली ग्रामीण स्टार्स के लिए धीरज सिंह का विकेट बहुत बहुमूल्य होगा, क्योंकि धीरज एक बहुत ही अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, आक्रामक क्रिकेट खेलते हैं, इस सिचुएशन में अपना ये स्वाभाविक खेल खेल रहे, इसीलिए जाकर उन्होंने पहले से ही जज कर लिया ये छोटी गेंद है विजय की तरफ से आएगी और उस छोटी गेंद पर पूरी तरह से हावी हो गए। तो नक्कीच अजूनही मॅच सोडणार नाही डोंबिवलीकर, कारण विकेट हा फॅक्टर महत्त्वाचा आहे, जर कुठे विकेट आली मॅच फिरू शकते, आपल्या बाजूने येऊ शकते हे स्वतःला सांगत असतील। परंतु कौतुक करे मी धीरज सिंगचं देखील, जबरदस्त बॉलर आहे आणि वेळेला बॅटिंगही करतो, उत्तर प्रदेशचा हा खेळाडू मात्र भारतभर प्रसिद्ध आहे आणि आता दाखल झालाय तो मात्र शारजामध्ये, UAE या देशामध्ये शारजा इंटरनॅशनल स्टेडियमवर खेळण्यासाठी। परंतु पाहुयात गोलंदाज विजय कशा प्रकारची कामगिरी करतायत, विकेट घ्याव्या लागतील, डॉट बॉल टाकावे लागतील। यावेळेला या बॉलला मनगटी फटका, परंतु चांगली फिल्डिंग त्या ठिकाणी पाहायला मिळाली। पहा एक तुम्हाला जर यश मिळालं तर ती एक वेगळी ऊर्जा प्राप्त होते अभिजीतजी, आणि ती प्राप्त होताना पाहायला मिळते या ठिकाणी। 3 रन पासून दूर आहे विजयासाठी इंडो रायडर्स, परंतु इंडो रायडर्स देखील लक्षात ठेवतील काय टीम होती डोंबिवली ते देखील लक्षात ठेवतील। पहा जवळपास भारतातील आता 3:30 वाजून गेलेले आहेत, परंतु 5,000 प्रेक्षक अजूनही मॅच पाहत आहेत, कारण ही जादू आहे क्रिकेटची, ही जादू आहे टेनिस बॉल क्रिकेटची, आणि त्याचबरोबरीने ग्रामीण क्रिकेटमध्ये कशा प्रकारचं क्रिकेट प्रेम असू शकतं हे देखील आपण आज पाहू शकता, कारण रात्रभर जागवल्या जात आहेत या क्रिकेटच्या खेळासाठी। शारजा इंटरनॅशनल स्टेडियमवर हा अप्रतिम डोळे दिपवणारा सोहळा पाहायला मिळतोय आणि आपल्या आयुष्यातील अनमोल क्षण आहे, हेच क्षणचित्र आपण आयुष्यभर आठवू, याच ठिकाणी काढलेले सेल्फीज किंवा फोटो आयुष्यभर आपण दाखवू। कोलवटप्याचा बॉल या ठिकाणी जरूर होता आणि चांगल्या ठिकाणी चेंडू टाकला गेला होता, परंतु रन घेण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी यशस्वी होतोय आणि 50 रन झालेले आहेत, 2 धावांपासून दूर आहे इंडो रायडर्स, 8 विकेट माघारी परतवलेल्या आहेत। सर कुठेतरी आता इकडे डोंबिवलीकर म्हणत असतील आणखी 8 रन असत्या तर हाही प्रश्न निर्माण होतो, परंतु यातही जी काही फाईट दिली आहे ना ती मात्र महत्त्वाची आहे आणि यातही अजून मॅच संपलेली नाही आहे, यापुढेही विकेट येऊ शकते, कारण क्रिकेटच्या खेळात कधी काय होईल याचा मात्र नेम नाही, असा हा क्रिकेटचा खेळ आपण या ठिकाणी पाहतोय। जी क्रिकेट और लाइफ में किंतु परंतु का कोई स्थान नहीं, अभी 2 गेंदों के लिए कड़ा संघर्ष करना होगा। धीरज सिंह स्ट्राइक पर है, 7 रन, बहुत ही किफ़ायती 7 रन बनाए इन्होंने। डोंबिवली जी हाँ, कला कौशल्य क्रीड़ा इस सब की राजधानी है डोंबिवली, यहाँ से एक अच्छी परंपरा बनी है क्रिकेट के माध्यम से। आज ऊँचा स्तर ग्रामीण की अगर हम बात करें, क्रिकेट का स्तर, आयोजन का स्तर और खिलाड़ियों का स्तर बहुत ही बढ़ चुका है। बॉल अडवला जातोय, पहा लढायचं कसं, कारण ही आहे TNPL, जगातील सर्वात मोठी क्रिकेट लीग, आपण खेळण्यासाठी उगाच आलो नाही, आम्ही लढणार आहोत, आम्ही झुंजणार आहोत, आम्हाला TNPL मध्ये आमच्या डोंबिवलीची छाप सोडायची आहे, हेच या ठिकाणी दाखवत असताना आपण पाहतोय। इंडो रायडर्स खूप चांगली कामगिरी केली आहे, परंतु डोंबिवली देखील काही कमी नाहीये। या वेळेला फटका हा वेळ जातोय, पाहूयात काय होत आहे, जबरदस्त मॅच काय सुरू आहे या ठिकाणी, 9वा धक्का बसलाय आणि कुणाला वाटलंही नसेल ही मॅच इथपर्यंत येईल, परंतु पहा याला क्रिकेट म्हणतात, याला क्रिकेट म्हणतात, याला क्रिकेट म्हणतात आणि याला TNPL चं क्रिकेट म्हणतात या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळत आहे। जिंकायचंय मला, जिंकायचंय मला, शारजा गाजवायची आहे मला, TNPL मध्ये माझा परफॉर्मन्स दाखवायचा आहे, माझ्या गावाच्या नावाला न्यायचं आहे, याच हेतूने प्रत्येक प्लेअर पाहायला मिळतो। 2 रन अजूनही करायचे आहेत, 2 रनोची जरूरत
आणि 9 विकेट माघारी परतवल्या गेलेल्या आहेत डोंबिवली संघाकडून. पहा आजची रात्र योगेश म्हात्रे विसरणार नाहीये, कारण त्याने हॅट्रिक घेतली आहे. आजची रात्र डोंबिवलीचा एकही क्रिकेटचा चाहता विसरणार नाहीये, कारण अजूनही ते नक्कीच मॅच ही पाहत असतील, कारण डोंबिवली जिंकण्याची आशा देखील आहे. अभी भी 2 ओवर शेष, 12 गेंदे शेष है और 2 रनों की जरूरत, परंतु क्रिकेटचा खेळ आहे, यात कधी काय होईल याचा नेम नाही. जबरदस्त उत्तर रात्र आहे, परंतु तरी देखील सर्व जणांच्या नजरा आता मॅचवर लागलेल्या असतील, काय होणार या मॅचमध्ये. दो रन की जरूरत, 2 ओवर में 2 रन की जरूरत, आखिरी विकेट है और दिल और दिमाग का खेल है. पता नहीं कौन जीतेगा, दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कर रहा है, कह रहा है, लेकिन नर्वस सिचुएशन है ऑन फील्ड. ये सभी खिलाड़ियों के लिए, दोनों टीमों के लिए ये बहुत ही नर्व एंडिंग सिचुएशन होगी कि 2 रन बनाने हैं. पहला रन इम्पॉर्टेंट होगा इंडो राइडर्स के लिए. खिजू मुंडे ने सुरुवातीला एक विजय नक्की से आशा निर्माण केली, तदनंतर योगेश म्हात्रे ने चांगली कामगिरी केली आणि आता मात्र 9 विकेट गेलेले आहेत. रन जरूर 2 पाहिजेत, परंतु कमाल केली आहे डोंबिवलीकरांनी या ठिकाणी. उगाचच आम्ही इकडे आलेलो नाही, पुढल्या वर्षी याहीपेक्षा जास्त ताकदीने येणार आहोत, आणि इथपर्यंत येत असताना काय परफॉर्मन्स केला या मॅचमध्ये. विवेक शेलार बॉलिंगसाठी दाखल होताना पाहायला मिळतील. आजचे बड्डे बॉय आहेत कालिंगावचे, आहेत भिवंडीचे, आणि त्यांच्याकडेच बॉल सोपवला आहे. लक्ष आहे 1 विकेट काढायची. पहा काय दडपण असेल फिल्डरवर, दडपण असेल बॉलरवर, दडपण असेल बॅट्समनवर. रन 2 आहेत, परंतु 2 किलोमीटर लांबीचे ते 2 रन झालेले आहेत, कारण अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. आयुष्यातील गेल्या वर्षीची मला मॅच आठवते, भरत लोहार ज्यावेळेला बॉलिंग करत होते, अप्रतिम बॉलिंग. आणि पहा सर्व प्रेक्षक उभे राहून मॅचचा आनंद घेत आहेत. आणि मी तर म्हणेल दोन्ही संघांना आपण एकदा जोरदार टाळ्या वाजून शुभेच्छा देऊयात. काय मॅच झाली आहे, अक्षरशः तमाम क्रिकेट रसिकांची मनं जिंकली या ठिकाणी इंडो रायडर्सने सुरुवातीला, आणि आता मात्र डोंबिवलीने देखील. या वेळेला बिगिट करण्याचा प्रयत्न, आणि पहा डोंबिवलीने या ठिकाणी मॅच जिंकली आहे. जबरदस्त नजारा. हो, आम्ही ही स्पर्धा या ठिकाणी दाखल झालेलो आहोत कशाला, आमच्या डोंबिवलीची छाप सोडण्यासाठी. आणि या ठिकाणी इंडो रायडर्स सारख्या एका बलाढ्य टीमला पराभूत केलंय या डोंबिवलीच्या नक्कीच ग्रामीण खेळाडूंने. आज म्हणेल इतिहास घडवला शारजा स्टेडियम मध्ये. पहिला वहिला विजय, फक्त 52 धावांची आवश्यकता असताना इंडो रायडर्स या टीमला ऑल आउट केलंय. इतिहास, इतिहास, इतिहास. डोंबिवलीकरांनी आज UAE स्थित जगप्रसिद्ध शारजा स्टेडियम मध्ये घडवलेला आहे. केजू मुंडे असेल, योगेश म्हात्रे असेल, आणि त्याचबरोबर बड्डे बॉय विवेक शेलार यांनी मात्र सर्वांची मनं जिंकून घेतली. काय आहे आमच्या ग्रामीण क्रिकेटची ताकद, काय आहे आमच्या ग्रामीण क्रिकेटचा खेळ, तो मात्र या ठिकाणी दाखवलाय. दोन्ही टीम आपण नक्कीच हस्तांदोलन करायचंय, हँडशेक करायचंय. येस जी, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, बहुत अच्छी क्रिकेट आज हमने देखी डोंबिवली ग्रामीण स्टार्स की तरफ से. इंडो राइडर्स एंड डोंबिवली ग्रामीण स्टार्स दोनों टीम से रिक्वेस्ट है कि जो टूर्नामेंट का नियम है उसके तहत आपको जाते जाते एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट करना है, बेस्ट विशेष. इंडो राइडर्स जैफी एंड उनकी पूरी टीम प्लीज आइए, एंड साई शेलर और पूरी डोंबिवली ग्रामीण स्टार की टीम आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना है. दोन्ही टीमने एकमेकांशी हस्तांदोलन करायचं आणि त्यानंतर या ठिकाणी यायचंय. जैफी आणि जैफी और पूरी टीम से रिक्वेस्ट है कि आप दोन्ही टीम एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट करें. क्रिकेट की ये स्पिरिट इस साल, ये और एक आकर्षण की बात करें, विवेक शेलार ने ये बहुत ही बड़ा विकेट लिया है और अपने टीम के हौसले बहुत ही मजबूत तरीके से बुलंद किए. वेरी वेल डन इंडो राइडर्स. इंडो राइडर्स टीम मैदान के अंदर आए प्लीज. इंडो राइडर्स एंड साई शेलर संगनायक. यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और इंडो राइडर्स वेरी वेल प्लेड, जैफी एंड हिज टीम वेरी वेल डन.